मांगे वीर है, हाँ मुझे कहानी सुने बिना नींद नहीं आती। मैं कहानी सुनाऊंगा तो सो जाएगी। ये ना कहानी है अंग्रेजी राज के उस वक्त की, जब सब लोग उनके खिलाफ एकजुट हो रहे थे सिवाय एक शख्स के, क्योंकि उसको लगता था कि अंग्रेज बुरे नहीं है। उसका नाम था मंगा। ओके, घर के किसी सियाने आदमी को बुला लो। सियाना जी, मैं वो तो उस दिन ऐसे बच्चों के साथ थोड़ा जिंदगी की हर दौड़ में अव्वल, परिवार का सबसे लायक लाडला, काम दाम कुछ करना नहीं, सारा दिन चढ़ते ही रहना बस। हाथों का तो पता नहीं, पर उसके पैरों में जादू था। नहीं, पैसे नहीं ले सकते जी, दादी कहती है इससे शफा चली जाती है। क्या तुम नौकरी करोगे? बंदूक मिलेगी जी तो डंडा वगैरह। सच धज बन ठन चले किधर, बदली हुई है कैसे आज ये नजर। अपनी ही दुनिया का राजकुमार था वो, और एक दिन उसे अपनी राजकुमारी भी मिल गई। राजकुमारी कौन? सरगी। तुझे कहानी सुननी है? चुपचाप सुन। नैनों से पढ़ ले। आपके गांव में दिल लग गया जी। राह जाती लड़कियों को ना यहाँ रोकने से सर फट जाते हैं, न कुड़ा ही है। वे, मार रहा है। तेरे रंग में रंग जाऊंगी। कहानी राजकुमार ने शुरू की है तो उसे ही खत्म करनी चाहिए। मैं अपनी ही पोती का रिश्ता एक अंग्रेज के नौकर से कर दूं? नहीं जी। आपको गलत फहमी हुई है जी, अंग्रेज बुरे लोग नहीं है। महाराजा के हुक्म के मुताबिक आप सबको गांव खाली करना पड़ेगा। गांधी जी ने कहा है, कानून से बढ़कर कुछ नहीं होता है। कानून से बड़ा राजा होता है। लाला जी, सारा कसूर मंगे का है। जिंदड़ी हार ले। बहुत बुरा किया मंगे ने। मैं मंगे नहीं छोड़। धोखा दिया उसने हमको। तुझे क्या लगता है, तुम लोगों की तकलीफ का एहसास नहीं मुझे? अगर तुझे तकलीफ का एहसास होता ना तो अंग्रेजों के तलवे ना चाटता तू। तो बड़ा मतलब ही निकला मंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचा तो सच में फिरंगी हो गया। वक्त आ गया हीरे जैसे को तैसा दिखाने का। हक की खातिर लड़ जा तू, अपनी जिद पे अड़ जा तू। हक की खातिर लड़ जा तू, अपनी जिद पे अड़ जा तू। फिरंगी को राजकुमारी नहीं मिलेगी। तू ना ज्यादा दादी ना बन, मैंने नहीं सुनानी तेरे को कहानी। कहानी आगे तुझे खुद नहीं आती और मुझे सुना रहा है।